सांप यानी कि एक ऐसा जानवर जिसके नाम से लोगों की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सांप का जहर जानवरों को तो मौत के घाट उतारता ही है, उसके अलावा ये इंसानों तक को नहीं छोड़ता। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन पर सांप के जहर का रत्ती भर भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि इनमें कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो खुद जहरीले सांपों का शिकार करते हैं। अब आप खुद ही समझ जाइए कि ये मुकाबला कितना टक्कर का होता होगा। और वो बात अलग है कि सांपों के जहर को पानी की तरफ बहा देने वाले ये जानवर आपको दुनिया के कुछ ही हिस्सों में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी विशेषताएं वाकई में कमाल की हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। हनी बैजर। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनी बैजर की, क्योंकि अधिकतर एशिया और अफ्रीका में पाया जाने वाला ये जीव एक मैमल है जिसे भारत में आमतौर पर बिज्जू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, साइज में ये जानवर भले ही बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन इसके लड़ाकू स्वभाव की वजह से अधिकतर जानवर इससे दूरी बनाकर ही रखने में अपनी भलाई समझते हैं। यहाँ तक कि खूंखार से खूंखार जीव भी इस पर बहुत कम हमला करते हैं। हनी बैजर के शरीर का ऊपरी भाग भूरे रंग का होगा और बाकी पूरा शरीर काले रंग का दिखाई देगा। हनी बैजर के पैर काफी मजबूत होते हैं जिसकी मदद से ये आसानी से गड्ढा खोद लेते हैं। अब अगर हम इसके डाइट की बात करें तो वैसे तो ये अलग अलग तरह के जानवरों को खाता है, लेकिन इससे सांप कुछ ज्यादा ही पसंद है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सांप के जहर का हनी बैजर पर कोई असर नहीं पड़ता और इसे सांप को पकड़ने में भी मात्र कुछ सेकंड ही लगते हैं, जिसे पकड़ने के बाद ये तुरंत उसके मुंह पर वार करके धीरे धीरे 15 से 20 मिनट में उसे हजम कर जाता है। कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्वायरल। सुनने में ये चीज अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन वाकई में ये गिलहरी सांप का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न एरिया में पाए जाने वाला ये स्क्वायरल जमीन में रहता है। और अगर हम इसके भोजन की बात करें तो ये अपने पाउच में खाने को स्टोर करते हैं। दोस्तों, स्क्वायरल की ये प्रजाति वाकई में कमाल की है, जहाँ इस प्रजाति की फीमेल स्क्वायरल अपने बच्चों के साथ रेटल स्नेक की शेड की हुई स्किन को चबाती है और फिर इससे अपने बच्चों को और खुद को चाटती है। ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि ये प्रक्रिया स्क्वायरल की सेंट को नष्ट कर देता है, जिससे उन्हें उनके नंबर वन शिकारी रेटल स्नेक से सुरक्षा मिलती है। असल में दोस्तों, रेटल स्नेक का मनपसंद शिकार ग्राउंड स्क्वायरल होते हैं। यही कारण है कि कैलिफोर्निया के इन स्क्वायरल्स ने इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर अपनी बॉडी को रेटल स्नेक के जहर से काफी हद तक इम्यून कर लिया है। मंगूस। दोस्तों, मंगूस यानी कि नेवला, जिसके बारे में लगभग हर इंसान बड़े अच्छे से जानता है, और सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा। दोस्तों, नेवला एक कार्निवोरस एनिमल है जिसकी करीब 33 अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं, जो खास तौर पर सदर्न यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। दोस्तों, सांप का शिकार करने वाले ये नेवले किंग कोबरा जैसे जानवर तक को नहीं छोड़ते। असल में नेवले के शरीर पर एक मोटी परत होती है जो इन्हें सांप के जहर से बचाने में मदद करती है, और अगर सांप ने इन्हें कुछ ज्यादा ही गहराई में काट लिया तो उसे ठीक होने में भी कुछ ही घंटे लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर सांप ने एक बार नेवले को काट लिया तो नेवला चुप बैठने वालों में से नहीं है, ये अपना बदला लेकर ही रहेगा। और जैसे ही नेवला सांप पर अपनी पकड़ बनाता है, ये उसे तुरंत मार कर खाना शुरू कर देता है। हेजहॉग। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हेजहॉग की, जिनका आकार चूहे से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, इसलिए इन्हें कांटेदार जंगली चूहा भी कहा जाता है। इल्यू पॉथिप्लन फैमिली से बिलोंग करने वाला यह जानवर मैमल्स की ही प्रजाति में से एक है। दोस्तों, प्यारे से दिखने वाले इस जानवर की आपको 70 अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो अधिकतर यूरोप, एशिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। हेजहॉग को इनके स्पाइंस की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके नुकीले और कठोर बाल होते हैं जो इन्हें बाकी जानवरों से काफी अलग बनाते हैं, लेकिन इनकी प्यारी सी सूरत पर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये क्यूट से दिखने वाले जानवर भले ही छोटे होते हैं, लेकिन ये अपने से बड़े जीव का शिकार करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं होते। जी हाँ, हेजहॉग एक वाइपर को भी मार सकता है और उसे बड़ी आसानी से अपना भोजन बना सकता है, क्योंकि ये जानवर इंसेक्ट्स, स्नेल्स, एग्स, मशरूम और फ्रॉग के अलावा सांप को भी अपने डाइट में शामिल करते हैं। दोस्तों, ये जीव ना सिर्फ सांप को खाता है बल्कि ये उसके जहर से पूरी तरह सुरक्षित है। सबसे पहले तो ये अपने स्पाइक्स की मदद से सांप को घायल करता है, और जैसे ही सांप घायल हो जाता है, ये उसे सिर से खाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उसे पूरी तरह चट कर जाता है। द गार्डन डॉर्मॉउस।
दोस्तों अब आप इस चूहे को देखिए, जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल चूहे जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसे नॉर्मल समझना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि 3.9 से लेकर 5.9 इंच की अधिकतर हाइट वाले ये छोटे से चूहे मात्र 60 से 140 ग्राम वजन के बीच में होते हैं। आमतौर पर जंगलों में पाए जाने वाले ये चूहे वैज्ञानिकों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि ये चूहे किस प्रकार वाइपर स्नेक के जहर से इम्यून होते हैं। ये चूहे सांप पर हमला नहीं करते, लेकिन इन पर सांप के जहर का भी कोई असर नहीं होता, और यही कारण है कि ये आज हमारी इस लिस्ट में शामिल है। ओपोसम। अब आप अमेरिका में पाए जाने वाले इस जीव से मिलिए, क्योंकि ओपोसम नाम के ये जीव मार्सुपियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। छोटे से आकार के ये जीव आपको हल्के फुल्के चूहों की तरह ही नजर आएंगे, हालांकि इनके पैर के पंजे काफी मजबूत होते हैं। और अगर हम इनके भोजन की बात करें तो दोस्तों मरे हुए जानवर वगैरह के साथ साथ ये इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अंडे, मेंढक, फल, पौधे और अनाज को भी खाने में बिल्कुल नहीं शर्माते। लेकिन इनकी सबसे खास बात तो इनकी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग है, क्योंकि ये अपने आप को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए मरे होने का नाटक करते हैं। मुश्किल वक्त आते ही ये खुद के शरीर को पत्थर की तरह मूर्त बना लेते हैं, और उसी टाइम इनके शरीर से गंदी दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, जिस कारण ये मरे हुए लगते हैं। हालांकि इन सब के अलावा इनकी एक और खूबी है, और वो ये है कि इन पर सांपों के जहर का असर नहीं होता। यही कारण है कि कभी कभी बिना डरे ये अपने आहार में सांप को भी शामिल कर लेते हैं। सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अलग है, क्योंकि अफ्रीका में पाए जाने वाली ये सेक्रेटरी बर्ड एक बहुत ही बड़ी पक्षी है, जो आमतौर पर घास के मैदानों में पाई जाती है। 35 से 54 इंच तक लंबी इन बर्ड्स का शरीर ईगल की तरह होता है। दोस्तों ये एक शिकारी पक्षी है जिससे सांप को खाना पसंद है। अब जाहिर सी बात है कि एक तो इस पक्षी का साइज इतना बड़ा है, ऊपर से ये अपने लंबे लंबे पंख का इस्तेमाल करके काफी ऊंचाई तक उड़ भी सकते हैं। ऐसे में सांप इन पक्षियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, और सांप का शिकार करने के लिए ये एक अलग ही तरीका आजमाते हैं, जिसमें ये पक्षी अपने लंबे लंबे पैरों की मदद से सांप के शरीर पर बहुत ही मजबूत और सटीक किक मारते हैं, जिससे कि सांप घायल हो जाता है। हालांकि सांप को मारने का इस पक्षी के पास एक और तरीका है, जहां ये पक्षी सांप को आसमान में ले जाता है और वहीं से सांप को पत्थर पर फेंक देता है, जिस वजह से सांप घायल हो जाता है और इसे बिना ज्यादा मेहनत किए अपना मन पसंद नाश्ता मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जीव जिन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं पड़ता, और ये बड़े मजे से उनका शिकार करते हैं। बाकी आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग जीव कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।